इट्स सो इंटरेस्टिंग. अभी आंटी ने जो रिलीजन की बात की, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन प्रिंसिपली फॉलोइंग सिंस फॉरएवर. मेरी और मेरी फैमिली का गुरुजी के साथ जुड़ना 2010 में हुआ था. मैं एक दिन अपने ऑफिस से वापस आ रही थी, मम्मा की एक फ्रेंड ने बोला कि किसी गुरुजी के पास जाना है. आई डोंट नो व्हाट गुरुजी वाज. मेरे माइंड में था कि वो शायद किसी पंडित जी के पास ले जाने की बात करिए. एंड अगर नॉर्मल किसी भी सर्कमस्टेंस में मेरी मम्मा मुझे स्पेशली आफ्टर ऑफिस बोलेंगी कि पंडित जी के पास जाना है, आई वुड हैव बीन लाइक दिमाग खराब है, इतनी रात को कौन जाता है, ये वो ये वो. But for a change, I don't know why, but I was very happy and I was excited to go to a mandir also and like go to a Guruji for that matter. मुझे नहीं पता था क्या Guruji है, क्या होता है, क्या नहीं होता है. I knew nothing. When we were walking into the temple, आंटी ने बोला इनकी ना प्रसाद में थोड़ी मिर्ची होती है, लेकिन जो भी है आपकी प्लेट में आपको सारा खाना है. मेरी मिर्ची का टॉलरेंस इज सो लो कि मेरी अपनी बेटी जो भी 2 साल की भी नहीं है वो मेरे से तेज मिर्च खा लेती है. तो मैं तो घबरा गई कि हे भगवान मैं कैसे खाऊंगी. तो आई डोंट नो व्हाई बट फॉर सम रीजन एज आई वाज वॉकिंग इन, एंड मैं अभी मतलब जहाँ पे अगर आप लोग गुरुजी के मंदिर गए हो तो जहाँ पे आप फेरा लेते हो उनकी समाधि के आसपास, मैं वहाँ पे पहुँच उस डोर तक ही पहुँची थी. एंड मैंने बोला कि हे गुरुजी जो भी हो अगर मेरे को प्रसाद खिलवाने प्लीज उसमें मुझे मिर्च ना लगे. आप बिलीव नहीं करोगे उस दिन अच्छी खासी मिर्च थी कि मेरे फादर जो हरी मिर्च खा सकते हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि मिर्ची है मिर्ची है. एंड मुझे जब तक मैंने मीठा प्रसाद खाना नहीं शुरू किया मुझे एक बूंद भी उसमें मिर्च नहीं लगी. एंड फ्रॉम दैट डे टिल टुडे इवन व्हेन सब मेरे आसपास बोल रहे होते हैं मिर्च है मुझे एक्चुअली कभी आज तक प्रसाद में मिर्च नहीं लगी. और अगर आप मुझे अपना नॉर्मल घर का खाना दोगे मुझे बहुत ज़्यादा मिर्च लगती है कि मतलब सब बोलते हैं कि इसका दिमाग खराब इसको मिर्च क्यों लग रही है. एक ये है इंसिडेंट. अनदर इंसिडेंट दैट आई कैन शेयर, एक बारी मैं और मेरी छोटी सिस्टर किसी के घर सत्संग पे गए. उनका घर थोड़ा छोटा था तो संगत मेंबर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा. उन्होंने लिटरली अपने लिविंग रूम में दरबार बनाया हुआ था, बेडरूम में भी फर्नीचर हटा के सबको बिठाने की जगह रखी हुई थी. तो जो ओनर थे उस घर के जिन्होंने सत्संग होस्ट किया था वो आए और उन्होंने बोला कि आई एम रियली सॉरी मेरा घर बहुत छोटा है बट प्लीज़ आप जितना स्क्वीज़ इन कर सकते हो प्लीज़ करते रहो सो दैट सब बैठ सके और सब आराम से सत्संग को इन्जॉय कर सके. फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न मुझे एकदम से तब ऐसे लगा जैसे वॉल्स यू नो लाइक वाइडन अप हो गई, जैसे किसी मूवी से विजन हो. मैंने ये बात किसी को बोली नहीं, ना ही अपनी सिस्टर को बोली. मुझे लगा ऐसी यू नो लाइक यू समटाइम्स इमेजिन थिंग्स. जब हम वापस आ रहे थे तब भी मेरी और मेरी सिस्टर की इस बारे में कोई बात नहीं हुई. समहाउ नेक्स्ट डे आई हैपन टू मेंशन दिस टू हर एंड शी इज लाइक आई फेल्ट द एग्जैक्ट सेम थिंग एट दैट मोमेंट. सो समथिंग फॉर श्योर डिड हैपन. आई कैन नॉट से इट विद गारंटी बट इट सर्टनली हैपन कि वो रूम बड़ा हो गया और उसमें और इतने सारे संगत मेंबर्स आके बैठ पाए. अनदर थिंग दैट आई कैन शेयर विच माइट बी लिटिल फनी फॉर सम ऑफ यू बट जब मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए बात कर रहे थे तो मेरी मेरी मदर से लड़ाई होती थी जब वो मुझे किसी का रिश्ता प्रपोज करती थी ना. अगर मैं नो बोलती थी मुझे कुछ हमेशा मना करती थी कि बेटा ऐसे किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, भगवान से डरते हैं, ये वो ये वो. एंड आई रिमेंबर क्लियरली कि किसी का आया हुआ था प्रपोजल एंड आई वॉज लाइक फॉर नो गुड रीजन मैं नो पे नो इंसिस्ट कर रही थी. एंड मेरी मम्मा से लड़ाई हुई. एंड फॉर मी अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू करना मेरे लिए बिग डील है. सो मैंने मम्मी रात को लाइक सोने से पहले गुरुजी को बोला कि प्लीज़ सीधा मुझे उसी का ही प्रपोजल लाओ जहाँ पे मेरे लिए लिखा है. मेरे को ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड व्हाट इफ आई इवैल्यूएट द पर्सन रॉन्गली एंड आई मेक अ रॉन्ग डिसीजन इट्स गोइंग टू रियली नेगेटिवली इम्पैक्ट माई लाइफ फॉर द इंटायर लाइफ. लाइक मेक द राइट डिसीजन फॉर मी. एंड द नेक्स्ट प्रपोजल दैट केम इन वॉज ऑफ माई हस्बैंड वाज सिटिंग राइट देयर. And my parents did not even expect me to say yes to meet him, but I somehow wanted to meet him. And the very first time I met him, I felt like he is the one, which is again a very big decision, especially when you're getting into an arranged marriage. And matlab, as much as I know, like for my friends, for my family members, for my cousins, it has all been relatively a much longer process. And feeling that surety the very first time is definitely a big thing, according to me. And from there on, there's definitely been no looking back. Another incident that I can share is jab main aur mera husband hamare like we were trying to have a family, there were like couple of months where things were not working out for us. So I happened to be in India and main Guruji ke mandir in fact apne husband ke saath hi gayi thi. It was a Monday. Hum mandir mein gaye, maine Guruji ko bola ki ab seedha तभी करना जब होना है एंड मेरे को अननेसेसरी होप्स मेरे हाय मत करो. एंड दैट वेरी मंथ वी वर ब्लेस्ड विद आवर बेबी.
the biggest lesson or the biggest thing that I've realized is कि अगर आपकी life में सब कुछ positive है, जो मुझे लगता है at least मेरी life में है, ठीक है छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, but majorly अगर सब कुछ positive है, वो सबसे बड़ा गुरु जी का सत्संग है, क्योंकि अगर वो है तो वो बहुत 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 बड़ी बात है. लोगों की life में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, मैंने खुद देखा है. आई रिमेंबर जब मैंने गुरु जी के वहाँ जाना शुरू किया था, एक लेडी होती थी जो हमेशा व्हील चेयर पर व्हील इन होकर आती थी. लास्ट टाइम मैंने वेंट इन देयर वो वॉक करके आ रही थी, एंड मेरे को उनसे डायरेक्टली नहीं पता मुझे, लेकिन किसी और से पता चला है कि वो किसी मेडिसिन की वजह से ठीक नहीं हुई है, बट वो सिर्फ अपने फेथ की वजह से ठीक हुई है. एंड फेथ कैन रियली टेक यू टू प्लेसेस इन लाइफ. इट्स वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब, इट्स वेरी हार्ड टू पुट इट इन वर्ड्स, इट्स वेरी हार्ड टू इवन टीच इट टू समवन. इट्स समथिंग दैट इज योर ओन जर्नी एंड यू विल गेट देयर व्हेन यू आर सपोज टू गेट देयर, एंड ओनली योर गॉड कैन हेल्प यू गेट देयर. जय गुरु जी.